हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे और क्वेश्चंस जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड होंगे। इससे पहले भी हम कई क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। फर्स्ट, ऑथोरिटेरियन लेवल के ऊपर टीचिंग कैसी होती है? टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, हेडमास्टर सेंटर्ड या एक्सपीरियंस बेस्ड? मैंने अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो देखी होंगी तो सबसे पहले मैंने लेवल ऑफ टीचिंग करवाया था, जिसमें बताया था ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजफेयर। ऑथोरिटेरियन मेमोरी लेवल, डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग लेवल और लेजफेयर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ऑथोरिटेरियन लेवल के ऊपर जो टीचिंग होगी वो कैसी होगी? मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल दैट इज टीचर सेंटर, दैट इज पेडागोगी। Then option A is correct. Next question is, match करना है हमारे को learning by doing। बताओ learning by doing किसके अंदर आएगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। learning by doing उसको हम क्या बोलते हैं? pragmatism। ठीक है, pragmatism के अंदर क्या होता है, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू, learning by doing। एंड जब हम एजुकेशन एनवायरमेंट के थ्रू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन मीन्स एनवायरमेंट के थ्रू हम लर्न कर रहे हैं तो नेचुरलिज्म, वो क्या होगा? नेचुरलिज्म। जब हमने एजुकेशनल अप्रोचेस डिस्कस करी थी उसके अंदर ये कंसेप्ट आए थे। ये भी मैंने पूरा का पूरा लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, तो देख लेना एक बार जाकर। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये किस पर आएगा बताओ? रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी and goodness, that is the idealism. And next is, word as it, here and now, that is realism. ये सारे के सारे हमने क्या डिस्कस करी हैं? एजुकेशनल अप्रोचेस, एजुकेशनल अप्रोचेस और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के नाम से मैंने पूरा का पूरा वीडियो डाली हुई है, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो एक बार जाकर रिवाइज कर लेना। लर्निंग बाय डूइंग मतलब प्रैक्टिस, प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिस के थ्रू, मीन्स जो आपको बेस्ट लगता है आप वो करो। एजुकेशन जब हम नेचुरलिज्म, एजुकेशन का मतलब जब हम एनवायरमेंट के थ्रू लर्न कर रहे हैं, जो कुछ भी है वो नेचुरल है, इन सेंसेस का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरलिज्म। नेक्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, ब्यूटी एंड द गुडनेस, वो क्या होती है? आइडियलिज्म के अंदर आती है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आइडिया से आती है, और जो नॉलेज है वो कहां से आती है? भगवान से आती है। तो रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस वो किसमें आएगा? आइडियलिज्म में। वर्ड एज इट, हियर एंड नाउ, ये क्या है? रियलिज्म। ठीक है, देन ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस प्रैग्मेटिज्म, एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट नेचुरलिज्म, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड द गुडनेस दैट इज आइडियलिज्म, वर्ड एज इट हेयर एंड नाउ दैट इज द रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है वो किसके थ्रू रिफ्लेक्ट होती है? कौन सी डोमेन से रिफ्लेक्ट होती है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव या साइकोमोटर या नन ऑफ द अबव? बताओ, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, इंटेलेक्चुअल स्किल्स किसके थ्रू रिफ्लेक्ट होती है? ब्रेन से जो रिलेटेड होती है वो क्या होती है? कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन हार्ट से, इमोशंस रिलेटेड होती है, और जो साइकोमोटर डोमेन होती है वो क्या होती है? इसमें ये फिजिकल एक्टिविटी से रिलेट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेसिक सा है। जो कॉग्निटिव है वो ब्रेन से रिलेटेड है, अफेक्टिव है वो इमोशन से रिलेटेड है, और साइकोमोटर में आपका दिमाग और आपके सेंसरी ऑर्गन दोनों इन्वॉल्व है, तो वो किसके अंदर आएगा? साइकोमोटर डोमेन में, मीन्स दैट इज रिलेटेड विद द फिजिकल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द कॉग्निटिव डोमेन, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटीट्यूड, वैल्यू एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, अभी बताया ना कि जो अफेक्टिव डोमेन है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है, मतलब कि जितनी भी इमोशंस है, फीलिंग है, वैल्यू, इमोशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड, इस किसके अंदर आता है? अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिजिकल एंड मोटर स्किल से कौन से डोमेन रिलेटेड होती है? साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन करते हैं डिस्क्राइब स्पेसिफिक टॉपिक. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग. साइकोमोटर डोमेन टीचिंग के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है साइकोमोटर डोमेन का बताओ. डेमोन्स्ट्रेट द एनवायरमेंट टू द सॉरी डेमोन्स्ट्रेट एन अवेयरनेस टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशन परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट कंप्यूटिंग रिजल्ट ऑफ टू एक्सपेरिमेंट या नरेटिंग ए स्टोरी. बताइए एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन. साइकोमोटर के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें हम अपने दिमाग के साथ साथ सेंसरी ऑर्गन का भी यूज कर रहे हैं साइकोमोटर के अंदर. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है बताओ. टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर द सेम कंसेप्ट. बताओ ये क्या फॉल्स है, दोनों टीचिंग और इंस्ट्रक्शन सेम होते हैं नहीं होते, तो ये कैसी है फॉल्स है. देन ऑप्शन ए इज करेक्ट. टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ. टीचिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, अगर हमारे पास मास्टरी है किसके अंदर कॉन्सेप्ट जो नॉलेज है कॉन्सेप्ट की वो हमारे को अच्छी है, मतलब कि हम मास्टर्स हैं उसके अंदर. टीचिंग की स्किल्स भी है हमारे अंदर और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी है, तो टीचिंग इन सभी के ऊपर बेस्ड होगी. देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट यही क्वेश्चन है इस स्लाइड के अंदर, एक बार से आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं, आगे नेक्स्ट लेसन में बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. देख लीजिए ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग में क्या आता है. ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड. ठीक है, ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग कैसी होती है, टीचर सेंटर्ड होती है. एंड नेक्स्ट लर्निंग बाय डूइंग प्रैग्मेटिज्म, एजुकेशन थ्रू एनवायरमेंट, नेचुरलाइजेशन नेचुरलिज्म, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस दैट इज द आइडियलिज्म, वर्ड इज इट हियर एंड नाउ दैट इज द रियलिज्म. इंटेलेक्चुअल स्किल्स रिफ्लेक्टेड होती है कौन से डोमेन से रिफ्लेक्टेड होती है, कॉग्निटिव डोमेन से. नेक्स्ट एटीट्यूड वैल्यू और इंटरेस्ट किसके थ्रू रिफ्लेक्टेड होता है, अफेक्टिव डोमेन से. नेक्स्ट फिजिकल और मोटर स्किल्स से कौन सी कंसर्न होती है, कौन सी डोमेन कंसर्न होती है, साइकोमोटर डोमेन. नेक्स्ट कॉग्निटिव डोमेन का इसके अंदर से कौन सा एग्जांपल है जो स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट साइकोमोटर डोमेन है टीचिंग के अंदर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या है, साइकोमोटर. मीन्स अपने दिमाग के साथ साथ हम हमारे सेंसरी ऑर्गन भी यूज कर रहे हैं, दैट इज द साइकोमोटर डोमेन. अब इसके अंदर कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन बोथ आर नॉट सेम. टीचिंग का जो स्कोप है वो तो वाइड होता है और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो किसका पार्ट है, टीचिंग का पार्ट है और ये इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन और जो टीचिंग है उसका स्कोप वाइडर है, वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, स्कूल्स में भी अप्लाई हो सकती है, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज में भी अप्लाई हो सकती है, हर जगह ये टीचिंग अप्लाई हो सकती है. लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो किसका पार्ट है, टीचिंग का पार्ट है और इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, नैरो है और ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कवर करता है. नेक्स्ट टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ. टीचिंग के अंदर जिसमें किसने मास्टरी की हुई है, मतलब कि टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ. टीचिंग क्या होगी, जिसमें मास्टर है, मतलब कि कंसेप्ट की भी नॉलेज है, स्किल्स की भी नॉलेज है और डिसीजन मेकिंग स्किल्स की भी नॉलेज है. देन ऑप्शन डी इज करेक्ट. दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड. नेक्स्ट स्लाइड में बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड बाय बाय.